एक्सरसाइज नंबर 1.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो एक्सरसाइज नंबर 1.3 जो है ना, ये आपके पास आसानगी में एक्सरसाइज है, इसमें कोई आपको इतना का काम नहीं करना। लें जी, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 इसका देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो क्या कह रहा है। लें जी, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर वो कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमें ये बताना है, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें ये बताना है कि कौन कौन से मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। जस्ट हमने यही बताना है, कुछ भी हल नहीं करना। ले जी, अब सबसे पहले देखिए कि हम किन किन मैट्रिक्स को आपस में ऐड और माइनस कर सकते हैं। हम सिर्फ सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स को आपस में ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका ऑर्डर सेम हो। सही हो गया, यहां पर मैं लिख देता हूं ओनली दोज मैट्रिक्स विल बी एडिड। हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स को जमा कर सकते हैं, ओनली दोज मैट्रिक्स विल बी एडिड हूज order will be same, order will be same। सही हो गया कि हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैट्रिसेस को जो है ना वो add कर सकते हैं जिनका order क्या होगा, वो same होगा, और जिन मैट्रिसेस का order same नहीं होगा हम उन मैट्रिसेस को आपस में add नहीं कर सकते। ले जी, अब जिस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर उसने हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है। नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए मैट्रिक्स ये दिया हुआ है, उसने हमारे पास के मैट्रिक्स ए जो है वो इसके इक्वल आ रहा है 2, 1, -1 और ये 3 है। अब उसके बाद मैट्रिक्स बी हमारे पास दिया हुआ है, उसने मैट्रिक्स बी हमारे पास आ रहा है 3 और 1। उसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास सी जो है, मैट्रिक्स सी हमारे पास इक्वल आ रहा है 1, 0, 2, -1, 2, -1 और 1, -2। उसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास डी जो है वो इक्वल आ रहा है बेटा जी, वो आ रहा है 2+1 और ये 3 आ रहा है। उसके बाद हमारे पास मैट्रिक्स ई जो है वो इक्वल आ रहा है -1, 0, 1 और 2। उसके बाद मैट्रिक्स हमारे पास एफ जो है वो इक्वल आ रहा है 3, 2। मैट्रिक्स एफ हमारे पास इक्वल आ रहा है 3, 2, 1+1, -4 और 3+2, 4+2+1। नहीं जी, ये हमारे पास मैट्रिक्स है। अब हमने बताने कि किन किन मैट्रिक्स को आपस में ऐड कर सकते हैं। अब देखें, सबसे पहले मैट्रिक्स ए जो है ना, अभी हमने बात की थी हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं जिनका ऑर्डर क्या हो, सेम हो। लेंगे सबसे पहले मैट्रिक्स ए का ऑर्डर देखें, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए जी, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या आ रहा है, इसका 2x2 का ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कितनी रोज आ रही है, 2 रोज है और 2 ही कॉलम है। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी जी, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या आ रहा है हमारे पास, इसके अंदर 1 और 2 रोज आ रही है और कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 1 कॉलम आ रहे हैं। सही हो गया। इसी तरह ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी जी, ऑर्डर सी का मैट्रिक्स क्या आ रहा है, इसके अंदर 1, 2, 3, इसके अंदर 3 रोज आ रही है, बाय कॉलम्स कितने आ रहे हैं इसके अंदर, 1 और 2। ले जी, इसका ऑर्डर बन गया 3/2 का। इसी तरह से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स डी जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, 1 और 2, 2 रोज है बाय कॉलम्स कितने हैं, ओनली 1, तो ऑर्डर क्या बन गया 2/1 का। अब उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ई हमारे पास क्या आ रहा है, 1 और 2, इसके अंदर 2 रोज है बाय कॉलम्स कितने आ रहे हैं, 1 और 2। लें जी, उसके बाद ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एफ जी, मैट्रिक्स एफ का ऑर्डर क्या आ रहा है हमारे पास, 1, 2, 3, 3 रोज है बाय कॉलम्स 1 और 2। लें जी, अब हमने इन सारे मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड कर लिया। अब जिन जिन मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है ना, उन्हीं को ऐड कर सकते हैं, बाकी को ऐड नहीं कर सकते। इस तरह से देखें, ऑर्डर ए मैट्रिक्स और ऑर्डर ई मैट्रिक्स, इन दोनों का सेम है तो ए को ई में ऐड कर सकते हैं। सही हो गया, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इन दोनों का ऑर्डर सेम है। उसके बाद बी मैट्रिक्स का ऑर्डर आपके पास और डी मैट्रिक्स का, इन दोनों का सेम है, हम बी मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं डी मैट्रिक्स में। सही हो गया,
इस चीज में रखनी, हम क्या करेंगे, इसका ऑर्डर 3/2 है और f का क्या आ रहा 3/2, तो हम c को f के अंदर ऐड कर सकते हैं, यानी c प्लस। इसी तरह से बाकी हमारे पास, ये हमारे पास सारा हो गया, तो हमने देख लिया कि किन-किन मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं, यही वाली कंडीशन हम सबट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं। सही हो गया, जिनका ऑर्डर सेम होगा सिर्फ उन्हीं को जमा माइनस कर सकते हैं, बाकी जिनका ऑर्डर सेम ही होगा उनको हम जमा माइनस नहीं कर सकते। ले जी, यहां तक समझ आ गई है, कोई मसला तो नहीं है। ले जी, अब उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर कह रहा है कि फाइंड द एडिटिव इनवर्स, फाइंड द एडिटिव इनवर्स, कि आपने इन मैट्रिसेस का एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब यहां से एडिटिव इनवर्स क्या होता है, सही हो गया, एडिटिव इनवर्स से मुराद ऐड, ऐड उसके बाद इनवर्स, ऐड का उलट यानी कि जमा का उलट वो माइनस होता है, यानी कि आपने नेगेटिव ओवर मैट्रिक्स फाइंड करना है, जो कि आपने 1.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर किया हुआ है, वही काम आपने यहां पर करना है। सही हो गया, लेकिन एक अलग क्वेश्चन में कहूंगा, बाकी आपने इसका खुद कर लेना है। ले जी, यहां से इसका ए पार्ट है आपके पास 2, 4, -2, 1, लेजिस्लेशन, आपने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो एडिटिव इनवर्स को माइनस ए यानी कि माइनस से मल्टीप्लाई करवाएंगे, जब हम इस मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो इसके हर एक एलिमेंट के क्या करना है, साइन चेंज करना है। लो जी, तो साइन चेंज कर दें, ये माइनस का 2 बन जाएगा, ये माइनस का 4 बन जाएगा, ये प्लस का 2 बन जाएगा और ये माइनस का 1 बन जाएगा। जस्ट हमने क्या करना है, साइन ही चेंज करने, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं करना। जो हमारे पास मैट्रिक्स हासिल हो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, एडिटिव इनवर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स। अब इसके अलावा मैं आपको सिर्फ लास्ट वाला पार्ट करवा रहा हूं एफ वाला, बाकी आपने खुद कर लेना है। सही हो गया, लें जी, एफ वाला पार्ट करवा रहा हूं, बाकी डू योरसेल्फ कीजिएगा ताकि आपको पता चले किस तरह से वर्क होता है। सही हो गया, लें जी, √3, 1, -1 और ये √2। लें जी, अब हमने इसका एडिटिव इनवर्स फाइंड करना। लो जी, एडिटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, माइनस ए मल्टीप्लाई करवाएंगे इज इक्वल, अब आपको पता है कि जिस मैट्रिक्स को माइनस मल्टीप्लाई करवाते हैं उस मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं उनका साइन चेंज कर देते हैं। अब स्केयर रूट 3 के साथ प्लस आ तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का स्केयर रूट 3, अब 1 के साथ प्लस आ तो क्या बन जाएगा, माइनस का 1, इस 1 के साथ माइनस आ तो ये प्लस का 1, अब स्केयर रूट 3 के साथ प्लस आ तो क्या बन जाएगा, माइनस का स्केयर रूट। ले जी, ये शॉर्ट क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको अच्छे से कर लीजिएगा एडिटिव इनवर्स वाला, क्लियर हो गया। अब बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद कर लेने, सही हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 को हम किस तरह से सिंपलीफाई कर सकते हैं। ले जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर वो कह रहे हैं कि अगर आपका मैट्रिक्स ए जो है वो इसके इक्वल हो, मैट्रिक्स ए है -1, 2, 2, 1, लीजिए ये मैट्रिक्स ए आपका, उसके बाद मैट्रिक्स बी उसमें गिवन दिया हुआ है वो है 1, -1, अब उसके बाद मैट्रिक्स सी आपके पास दिया हुआ है, मैट्रिक्स सी आपके पास गिवन है 1, -1 और ये 2, अब इसके बाद मैट्रिक्स डी आपके पास गिवन है, मैट्रिक्स डी आपके पास गिवन है 1, 2, 3, -1, 0 और 2, ये मैट्रिक्स गिवन है। अब वह कहते हैं कि देन फाइंड, फिर आपने मालूम करने, बाकी हम इसके पार्ट्स की बात करते हैं कि किस तरह से इनके पार्ट्स को जाना वो सिंपलीफाई किया जाएगा। नंबर वन, पार्ट नंबर वन, वो कह रहा है कि आपने ए मैट्रिक्स में ऐड करना है इस वाले मैट्रिक्स को, ले जी 1, 1, 1, 1, इस मैट्रिक्स को आपने ऐड करना है। अब हमने ध्यान से इसको क्वेश्चन को कर लीजिएगा क्योंकि आगे वाले क्वेश्चन में ऐड वाला काम करना है हमने, सही हो गया, तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो बाकी भी आसानी से आ जाएगी। नहीं जी,
अब हमने ए मैट्रिक्स प्लस ये ऐड करना है 1 1 1 1, अब इस इक्वल लगाए। अब देखिए यहां पर ये मैट्रिक्स ये है ना, आपने इसकी जगह पर मैट्रिक्स ए की क्या दिया हुआ है, ये लगाने लो जी। तो इस मैट्रिक्स ए की जगह पर आपने -1 2 2 1 लगा दिया, सही हो गया। अब इस मैट्रिक्स में आपने ऐड करना है, यहां पर साइन प्लस तो यहां पर प्लस लगा देना है। अब ये वाला मैट्रिक्स जी, ये वाला मैट्रिक्स आपके पास क्या आ रहा है, 1 1 1 और ये 1, ये मैट्रिक्स आ रहा है, सही हो गया। अब आपने इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है। अब हमने ऐड करने का अब तक तरीका कार नहीं सीखा हुआ, लेकिन इसमें देख ले करना कहने हाँ कि आसान है। नहीं जी, अब देखिए आपने क्या करना है कि पहले वाले एलिमेंट को जमा कर देना है पहले वाले एलिमेंट में। तो यहां पर माइनस वन है, इसमें ऐड करना है इस वाले वन को, यानी कि सेम पोजिशन वाले एलिमेंट को ऐड कर देना है सेम पोजिशन वाले एलिमेंट के साथ, सही हो गया। इसी तरह से इस टू में प्लस कर देंगे इस वन को, क्लियर। अब इस टू में प्लस कर देंगे इस वन को, अब इस वन में प्लस कर देंगे इस वन को, लो जी अब ये हमारा आंसर आने वाला है जी। देखें वन के साथ माइनस आ रहा है और इस वन के साथ प्लस आ रहा है, तो माइनस प्लस माइनस एक में से एक जाएगा तो जीरो। अब टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री। टू प्लस वन क्या हो जाएगा, थ्री। वन प्लस वन क्या हो जाएगा, ये टू। ले जी, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा, सही हो गया। ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर वन हो गया। अब पार्ट नंबर टू इसका जी, पार्ट नंबर टू की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर टू में मैं कह रहा है कि आपने मैट्रिक्स बी में ऐड करना है, मैट्रिक्स बी में आपने ऐड करना है माइनस टू कोमा लेंगे माइनस टू को थ्री को, इन दोनों मैट्रिक्स को आपने फाइंड करना है, ऐड करना है, लेंगे। अब यहां पर देखें ये बी प्लस माइनस टू और ये वाला थ्री इज इक्वल। अब यहां पर आपके पास मैट्रिक्स बी आ चुका है ना, तो यहां पर आपने मैट्रिक्स बी लगाना है। तो मैट्रिक्स बी किसके इक्वल आ रहा है, वन माइनस वन के इक्वल आ रहा है। अब इसमें ऐड करना है ये वाला मैट्रिक्स माइनस टू और ये थ्री, ले जी। अब देखिए आपको पता है कि हमने ऐड करना है तो सेम पोजिशनल एलिमेंट में ऐड करेंगे सेम वाले को, इस एक में जमा करना है इस माइनस टू को। अब देखिए ब्रैकेट लगाइए, इस वजह से लगाई थी क्योंकि इस माइनस में बाहर मल्टीप्लाई होना है, इस वजह से ये ब्रैकेट लगाई, सही हो गया। अब इस माइनस वन में आपने ऐड कर देना है इस थ्री को, ले जी। अब यहां से सिंप्लीफाई करें ये वन। अब देखिए जब भी हम प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करवाते हैं ना तो माइनस आ जाता है और ये वाला टू। अब उसके बाद माइनस का वन प्लस का थ्री, ले जी। अब देखिए प्लस माइनस करना है, वन के साथ प्लस आ रहा है, टू के साथ माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, टू में से वन जाएगा तो वन, अलामत बड़े के साथ वाले, सही हो गया। ले जी माइनस का वन प्लस का थ्री, तो थ्री माइनस वन ये आ जाएगा प्लस का, ले जी। हमने इस मैट्रिक्स का भी क्या किया, आंसर फाइंड कर लिया। ये हमारे पास पार्ट नंबर टू हो चुका है जी। अब पार्ट नंबर थ्री जो है ये आप लोगों ने खुद ट्राई करना है, पार्ट नंबर थ्री आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। वो कह रहा है कि आपने सी मैट्रिक्स में ऐड करना है इस वाले मैट्रिक्स को माइनस टू वन और ये वाला थ्री, लेंगे तो इसको आपने खुद ट्राई करना है, सही हो गया। सिमिलरली सेम पोजिशन वाले एलिमेंट को सेम वाले में ऐड करना है ये वाला मैट्रिक्स लेकर, सही हो गया, जिसका भी हमने पीछे वाले काम किया है। अब मैं आपको पार्ट नंबर फोर करवाने जा रहा हूं, लें जी। पार्ट नंबर फोर आपके पास है अभी, पार्ट नंबर फोर के अंदर वो कह रहा है कि आपने मैट्रिक्स डी में ऐड करना है इस वाले मैट्रिक्स को, लें जी। जीरो वन जीरो टू जीरो वन, टू जीरो वन, लें जी इस मैट्रिक्स को ऐड करना है, लो जी सॉल्यूशन। अब इसको करते हैं, देखते हैं क्या जवाब आता है इसका। D प्लस जीरो वन जीरो टू जीरो और ये वन, लें जी। आपने ये मैट्रिक्स लिया है, D को ऐड करना है इस वाले मैट्रिक्स में इज इक्वल। अब यहां पर D मैट्रिक्स आया हुआ ना, तो D मैट्रिक्स हमारे पास ये है, तो इसकी तरह पर आपने ये मैट्रिक्स लगाना, लें जी। ये आ जाएगा वन टू और ये थ्री, ये माइनस वन, ये जीरो और ये टू,
अब इसमें ऐड करने हैं ये वाला मैट्रिक्स, लें ऐड करें 010, अब 201 लें, ये मैट्रिक्स 201 लिख दिया। अब हमें इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है, ऐड करना है। अब कैसे ऐड करेंगे, आपको पता है कि सेम पोजीशन वाले एलिमेंट को सेम पोजीशन वाले एलिमेंट में, तो 1 + 0, 1 + 0, 2 + 1, 2 + 1, 3 + 0, सही हो गया। लें उसके बाद -1 + 2, 0 + 0, 2 + 1 लें जी। अब इनको ऐड करके आपने आंसर निकाल लेना जी। यहां से क्या आएगा, लें जी हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 + 0 1, 2 + 1 3, 3 + 0 3, -1 + 2, ये आ जाएगा 1, क्योंकि 2 के साथ प्लस है और 1 के साथ माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो 2 में से 1 के 1 अलामत वो लगानी है ब्रैकेट के साथ है, तो 2 के साथ प्लस आ रहा है, यहां पर प्लस लगाते नहीं हूं, अंडरस्टूड है ये प्लस है। 0 + 0 क्या आ जाएगा 0, 2 + 1 क्या आ जाएगा ये 3 लें जी। तो ये हमारे पास इस मैट्रिक्स का क्या आ गया, ये वाला आंसर आ गया, सही हो गया। तो ये हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं, लें जी पार्ट नंबर 5 के अंदर वो कह रहे हैं कि आपने मैट्रिक्स 2A फाइंड करना है, यानी कि आपने 2 को मल्टीप्लाई करवाना है मैट्रिक्स A के साथ। लो जी निहायत ही आसान है बेटा जी, मुश्किल नहीं है, आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो ये मैथमेटिक्स आपकी 9th क्लास की कुछ भी नहीं है, निहायत ही आसान तरीका है। लें जी 2A इज इक्वल, अब देखिए यहां पर 2 है ना ये वाला, इसको एज इट इज लिखा रहने दे। अब ये मैट्रिक्स A है ऐसे है ना, तो इसकी जगह पर आपने मैट्रिक्स A ये वाला पुट करना है, सही हो गया, ये वाला मैट्रिक्स यानी कि इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो मैट्रिक्स A हमारे पास है -1, 2 और 2 और ये 1 लें जी। अब यहां से देखें ये इक्वल, अब देखें इसके दरमियान 2 और इस वाले मैट्रिक्स के दरमियान कोई साइन आ रहा है ना, इसका मतलब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। अब आपने इस कांस्टेंट नंबर को इस मैट्रिक्स के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, हम इस 2 को इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवा देंगे। लें जी तो सबसे पहले इस 2 को मल्टीप्लाई करवाना है -1 के साथ, सही हो गया। उसके बाद इस 2 को आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, इस 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है और इस 2 को ले जी, यानी कि आपने इस 2 को मैट्रिक्स के हर एलिमेंट के साथ क्या करवा दिया है, मल्टीप्लाई करवा दिया। ले जी अब 2 को -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा। अब उसके बाद 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 के साथ तो ये आ जाएगा 4 आ जाएगा। उसके बाद इस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 4 और इस 2 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 के साथ तो क्या आ जाएगा 2 लें। तो ये हमारे पास 2A मैट्रिक्स क्या हो गया, फाइंड हो चुका, तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। लें अब हमने इसका पार्ट नंबर 5 कर लिया है, अब पार्ट नंबर 6 करवाता हूं। लें जी पार्ट नंबर 6 की तरफ चलते हैं, तो